Assalamualaikum everybody, welcome back to another video. तो यार आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको वीज़ा प्रोटेक्टर लगवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है और आपको फॉर्म किस तरह फिल करना है और प्रोटेक्टर ऑफिस जाने से पहले आपको कौन से स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं अपना टाइम सेव करने के लिए, अपने पैसे सेव करने के लिए. सो लेट्स बिगिन. 2 1. तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वीज़ा प्रोटेक्टर लगवाने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फिल आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है. आप ऑफिस में जाकर भी फिल कर सकते हैं लेकिन दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. आप उधर बैठेंगे, लाइन में रहें, क्योंकि फॉर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर समझ नहीं आएंगी और आप ऑफिसर से पूछने की कोशिश करेंगे लेकिन बहुत सारे लोग होंगे ऑफिस में जिसकी वजह से आपकी बारी लेट आएगी एंड दैट विल टेक अराउंड 1 or 2 hours. 1 to 2 घंटे का टाइम आपका वहाँ पे वेस्ट हो सकता है. तो इसलिए आपने क्या करना है, घर बैठे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है. उसमें जो चीज़ें नहीं समझ आ रही आपने नीचे कमेंट करना है, आई विल हेल्प यू, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल. बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि फॉर्म फिल कर लेते हैं लेकिन जो उसका फॉर्म का ट्रैकिंग आईडी होता है ना वो उनको याद नहीं होता और ना ही उन्होंने सेव किया होता है. जब आप ऑफिस में जाते हो यू हैव टू प्रोवाइड देम द ट्रैकिंग आईडी. आपके ट्रैकिंग आईडी से आपके फॉर्म की डिटेल्स वो फेच करते हैं और फिर आपसे थंबप्रिंट करवाते हैं. आपने जो वीज़ा हासिल किया है चाहे वो सऊदी अरेबिया से है, तुर्की से है, इटली से, ईरान, इराक, चाइना, व्हाटएवर द कंट्रीज, जिस भी मुल्क से आपका वो वीज़ा इशू हुआ है आपको उसकी कॉपी चाहिए. फिर आपको आपके आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, फिर आपको आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, फिर आपको आपके फादर या ब्रदर, एक ब्लड रिलेटिव की आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए. उसके अलावा आपको चाहिए आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट. जो कंपनी आपको जॉब ऑफर कर रही है वो उन्होंने जो आपको पेपर दिया है जिसके ऊपर आपकी डिटेल्स लिखी हैं, आपको सैलरी कितनी देंगे, क्या अदर बेनिफिट्स हैं जो आपको वो प्रोवाइड करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी चाहिए आपको. एंड अदर देन दैट आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए पुलिस का, जो आपके करीबी पुलिस स्टेशन से जो है ना आपकी डिटेल्स वेरीफाई होंगी कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है. चले जी अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की. आपको फीस कितनी पे करनी है. नॉर्मली जो लोग जाके ऑफिस विजिट करके फीस पे करते हैं, डायरेक्ट इमिग्रेंट जिसको बोलते हैं, उसकी फ़ी है 9,200. The reason why I'm making this video because there are a lot of changes in the documents and the fee structure, so that's why I'm recording this video again. इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मोर देन 30,000 व्यूज़ हैं, 30,000 से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखी और उस पर मोर देन 200 or 300 कमेंट्स हैं, मुझे याद भी नहीं है. काफ़ी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे लेकिन चूंकि अब उस वीडियो को 2 साल हो चुके हैं लेकिन अभी जो चेंजेस आई हैं उसके बारे में मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँ. Still, after the end of the video, if you have any questions, do let me know. आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. I will be happy to help you. अब आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार कर लिए, आपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर लिया, उसकी ट्रैकिंग आईडी को स्क्रीनशॉट करके सेव कर लिया आपने. फ़ी जो है ना, आपने जब फॉर्म फिल करेंगे, यहाँ पे मसला आता है कि लोग मोस्टली फॉर्म फिल करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कन्फ्यूज़ करती हैं. वन ऑफ द मेन थिंग इज़ द फ़ी. वहाँ पे पूछा क्या होता है कि फ़ी आपने जो है ना जमा कराई है वो कितनी है, क्या सीन है. और फिर बंदा कन्फ्यूज़ होता है कि यार मैंने तो फ़ी जमा करवाई नहीं है और मैं इधर कैसे लिखूँ. तो सिंपली यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द फ़ी. अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट थ्रू डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फ़ी है जो कि 9,200 है, आपने 9,200 लिखते हैं एंड यू जस्ट हैव टू फिल आउट द रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन. फिर आप फी बाद में भी पे कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी. एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस. ये सारी चीज़ें आपने रेडी कर ली, डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं, आपको कितना टाइम लगेगा वहाँ पे और व्हाट विल बी द प्रोसेस. सो द प्रोसेस विल बी, आप ऑफिस जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको देंगे, कॉपीज जो भी रिक्वायर्ड है, आपसे वो ट्रैकिंग आईडी पूछेंगे, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनको आ जाएगी, आपका थंबप्रिंट होगा वहाँ पे, आपसे आपकी बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जो है ना मांगी जाएगी. बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करने जाते हैं दूसरे मुल्कों में, लाइक सऊदी अरेबिया और अदर कंट्रीज़ में, जैसे कि ट्रक ड्राइवर हो गया, एज अ कुक चले जाते हैं, एज अ मतलब
फैक्ट्री वर्कर कुछ इस तरह के होते हैं, तो उनके यूजली बैंक अकाउंट्स भी नहीं होते, तो इट्स ओके, यू कैन गिव योर इजी पैसा अकाउंट, यू कैन गिव योर जैज कैश और ई पे, व्हाटएवर, बैंक अकाउंट नेसेसरी नहीं है. तो देन दे विल टेक योर फिंगरप्रिंट्स, आप अपने फिंगरप्रिंट्स लगाएंगे और फिर आपको एक हॉल में भेज दिया जाएगा. आप उस हॉल में अपने सारी कॉपीज को प्रॉपर लाइन करके जमा कराएंगे एंड दे विल टेक योर पासपोर्ट एंड ऑल्सो ऑल द कॉपीज. अगर आपने फीस जमा करवा ली है तो फीस जमा कराना लाजमी है, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्स में आपने फीस की जो रसीदें होती हैं वो भी आपने उनके साथ लगानी होती हैं, अटैच करनी होती हैं. आपसे पासपोर्ट ले लिया जाएगा एंड दे विल गिव यू अ टाइम. इट वेरीज सिटी टू सिटी, हर सिटी का जो है ना डिफरेंट प्रोसेस है ऑफिसेज का, बट नॉर्मली लाहौर के लिए जो है ना दे यूजली टेक 2 hours, 2 घंटे का आपको टाइम देते हैं, आपका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लेते हैं एंड देन दे विल जस्ट वेरीफाई द इंफॉर्मेशन. और आपके पासपोर्ट के ऊपर एक पेज, जिस तरह वीज़ा पेस्ट किया होता है इसी तरह एक पेज जो है ना उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टर. ये एक तरह की इंश्योरेंस है कि अगर आप किसी किस्म की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है वहाँ पे दूसरे मुल्क में या कोई भी आपको परेशानी होती है, सो द गवर्नमेंट विल हेल्प यू, द गवर्नमेंट विल असिस्ट यू इन एनी वे पॉसिबल. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर. अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं फील फ्री टू लेट मी नो, यू कैन कमेंट बिलो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय फॉर नाउ. Oh, oh, oh.